हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने लोग देश विदेश से भारत आते हैं और पावन नदियों में स्नान करते हैं। इस बार का महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। जी हां, इसकी तिथि भी तय हो चुकी है। इस बार प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन साल 2025 में 29 जनवरी से होगा। इससे पहले ये आयोजन 2013 में हुआ था। आपको बता दें कि इस मेले का संबंध आस्था और ज्योतिष दोनों से ही बताया जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक मेष राशि के चक्र में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और ये संयोग साल 2025 में बनेगा। तब 29 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक यह मेला प्रयागराज में लगाया जाएगा। 8 मार्च को अंतिम शाही स्नान होगा। चलिए आपको बताते हैं शाही स्नान की तिथि के बारे में, कब और कहां शाही स्नान किए जाएंगे। महाकुंभ में शाही स्नान की कुछ तिथियां हैं। जैसे 2025 में महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान किया जाएगा। मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को किया जाएगा। बसंत पंचमी का शाही स्नान 3 फरवरी को किया जाएगा। वहीं उसके बाद अचला सप्तमी को 4 फरवरी है, उस दिन शाही स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को किया जाएगा और 8 मार्च को महाशिवरात्रि का शाही स्नान होगा। कुल मिलाकर 21 शाही स्नान किए जाएंगे। कब और कैसे होगा कुंभ मेले का आयोजन, आप ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन कहां और कब होगा, इसका निर्धारण राशियों और ग्रहों की स्थिति को देखकर किया जाता है। महाकुंभ की तिथि का निर्धारण करने में सूर्य और गुरु को अहम माना जाता है। बता दें कि जब गुरु वृष राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में होता है। सूर्य जब मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में विराजमान होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। सूर्य गुरु जब सिंह राशि में विराजमान होते हैं, तब नासिक में महाकुंभ लगता है और जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में विराजमान होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में लगाया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।